नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए उद्दमेश्वर तंत्र पे, जो कि यक्षिणी साधना के बारे में थी। बहुत विशेष आप लोगों को कभी उद्दमेश्वर तंत्र के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज एक विषय उसके बारे में बताता हूँ। उद्दमेश्वर तंत्र मूलतः कश्मीरी तंत्र है और ये पूर्ण रूप से रावण तंत्र पर ही आधारित है। रावण महापंडित महातांत्रिक, रावण तीसरे सिद्ध, मतलब जब आप नवनाथ और 84 सिद्ध बोलते हैं, नवनाथ में भी नवनाथ कौन, उदयनाथ, पार्वती जी, आदिनाथ, शिव जी, उस समय जो नवनाथ और 84 सिद्ध हुए उसमें तीसरे सिद्ध जो है वो लंकापति रावण हुए। लंकापति रावण तंत्र में महादेव के डायरेक्ट डिसाइपल माने जाते हैं। काफ़ी कथाएं हैं उनके बारे में कि महादेव से वो मिलने जाते थे तो कैलाश को हिला देते थे, लो मैं आ गया, और फिर महादेव बताते थे पार्वती जी उदयनाथ को कि ऐसे भी शिष्य होते हैं। तो रावण बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े अघोरी थे। जो आज आप यक्षिणी साधना के बारे में जानते हैं या शव साधना के बारे में जानते हैं या कपालिक साधनाओं के बारे में जानते हैं, ये सर्वप्रथम हम लोगों को रावण ने दिया। रावण का एक से एक तंत्र है और मैं आपको आने वाले दिनों में, जैसे मैंने उद्दमेश्वर तंत्र का एक श्रृंखला चलाया था, वैसे ही रावण तंत्र का एक श्रृंखला चलाऊंगा। रावण तंत्र काफ़ी सिंपल होता है और हाँ, एक विषय और है इसमें कि रावण संहिता के नाम से काफ़ी किताबें आती हैं। सारे किताब किसी काम के नहीं हैं। उसमें आपको इस्लामिक तंत्र भी मिल जाएगा, उसमें आपको टोटके भी मिल जाएंगे, जबकि जो रावण तंत्र, जो ओरिजिनल रावण तंत्र है, उसमें बहुत काम की चीज़ें बहुत संक्षिप्त में, मतलब एक मारन हो, मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, एक पैराग्राफ, चार लाइन, सारा विधान। तो आज हम श्री गणेश करेंगे रावण तंत्र के वशीकरण प्रयोग से। रावण तंत्र का वशीकरण प्रयोग, ऐसे तो वशीकरण प्रयोग में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे असुरी तंत्र से आप वशीकरण करेंगे तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लगती हैं जो मिलना मुश्किल हो, लेकिन रावण तंत्र का वशीकरण बड़ा ही सिंपल है। कैसे करना होता है इस वशीकरण को? 7 दिन तक भोजन करते करते 7 बार जब आप कौर उठाते हैं, जो भोजन का निवाला मुंह में लेते हैं, उस 7 बार जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसको पढ़ना है। आप जब 7 दिन तक इसको 7 कौर हर बार जब आप भोजन करेंगे तब आप पढ़ के खाएंगे, तो 7वें दिन के बाद जिस भी स्त्री या पुरुष को आप वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में होगा। मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में क्लिम का उच्चारण आता है। अगर आपको बहुत एग्रेसिव वशीकरण करना है तो क्लिंग प्रयोग करेंगे। तो मंत्र सुनिए, क्लिम कामातुरे कामेखले विश्यनी वर्रति भगवती अमुकम मे वंशम कुरु वंशम कुरु क्लिम नमः स्वाहा। इस मंत्र को आप 7 दिन तक जब भी भोजन करेंगे तो इस मंत्र को 7 बार पढ़ के कौर उठाएंगे, और इस मंत्र में जहाँ मैंने क्लिम बोला है वहाँ पर क्लिम हटा करके क्लिंग करेंगे अगर एग्रेसिव करना है। साथ में अगर आपको किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर करना है तो अमुक हटा के उस व्यक्ति का नाम और उसका जो चेहरा है अपने मानस पटल पर रख देंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें। US, कनाडा और इंडिया के लोग मुझे रुद्रनाथ@cm4 पर बात कर सकते हैं।
डायरेक्ट अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप और वेबसाइट www.अघोरतंत्ररहस्य पर जाने से आपको मिल जाएगा। आज का विराम यहीं पर। रावण के पद चिन्हों पर चलकर आप सभी बड़े तांत्रिक बने, ऐसी मेरी कामना है। बहुत ही उम्दा तंत्र है ये। आप सभी को आदेश आदेश हलाक खा दें।